नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ नेस रेडीनेस मॉड्यूल एक कक्षा तीन। जो पिछली वीडियो में मैंने साथियों आपको पूरा मॉड्यूल आंसर सहित बताया था, तो ये आज मैं आपको प्रत्येक छात्र का विश्लेषण, प्रश्नवार विश्लेषण जो है वो कैसे अपने को इस पत्रक में भरना है ये आपको बताने वाली हूँ। नेस विश्लेषण पत्रक 2024 मॉक टेस्ट कक्षा तीन का आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, विकासखंड का नाम लिख लेंगे, जन शिक्षा केंद्र आपका कौन सा है, मेरा नारायण विद्या मंदिर, क्रमांक एक है, मैंने मेरे विद्यालय का नाम लिख लिया, शासकीय प्राथमिक विद्यालय जसोदगढ़। अब देखिए साथियों, जो प्रश्न सही हल किया है बच्चे ने उस पर हमें राइट का निशान लगाना है, और जो प्रश्न गलत किया है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। इस तरीके से हम इस प्रपत्र को भर के रख लेंगे। 45 क्वेश्चन हिंदी, गणित और पर्यावरण के साथियों रेडीनेस मॉड्यूल में दिए गए थे नेस प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद साथियों देखिए, यहाँ पर मैंने बच्चों के नाम भर लिए, यहाँ पर ये प्रश्न संख्या दी गई है एक से लेकर 45 तक। जिस बच्चे ने जो प्रश्न सही किया है उसके आगे आप नाम के आगे, जैसे प्रश्न एक सही किया है तो राइट का निशान लगा दीजिए, जैसे प्रियांशी ने दूसरा प्रश्न भी सही किया है मैंने राइट निशान लगा दिया, लेकिन उसने प्रश्न क्रमांक तीन जो है वो गलत किया है तो रॉन्ग निशान लगा दिया। अब आप देखिए इस तरीके से उसने सातवां प्रश्न गलत किया है तो रॉन्ग का निशान है, नवा प्रश्न गलत किया है रॉन्ग का निशान है। इस तरीके से पूरे 45 प्रश्न, ठीक है साथियों, 45 प्रश्न उसने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर प्रियांशी ने जो मैंने क्रॉस के निशान लगाए हैं ये मैंने गलत प्रश्न है, तो प्रियांशी ने यहाँ पर जो है वो 14 प्रश्न जो है वो गलत किए हैं और 31 प्रश्न जो है वो सही किए हैं। तो मैंने यहाँ पर उसका परसेंटेज निकाल लिया है, 68% जो है वो सही प्रश्न कर पाई है। और इसी तरीके से जो राजनंदनी है वो उसने यहाँ पर 23 प्रश्न जो है वो गलत किए हैं और 22 प्रश्न वो सही कर पाई है। उसी तरीके से यहाँ पर जो मेरी कक्षा तीन की नताशा है, यहाँ पर उसने टोटल 19 प्रश्न जो है वो गलत किए हैं और 26 प्रश्न जो है वो सही किए हैं। और इसी तरीके से जो दिव्यांशा है उसने 45 में से 25 प्रश्न सही किए और 20 प्रश्न जो है वो यहाँ पर गलत किए। तो आप भी इस तरीके से सही गलत का आकलन करके परसेंटेज निकाल लीजिए जैसे मैंने निकाले हैं, और कक्षा में विश्लेषण करके आप ये प्रपत्र भरकर जरूर रख लीजिए। और जो गलत अवधारणाएं बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको शिक्षक समझाते हुए उन्हें प्रैक्टिस करवाएं, ताकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हमारे ज़िले का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। यदि वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।